Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm nothing and feeling it. Touch me and being it. See what I see in it. I'm typical. Messing around with it. Mix it up. Go with it. With it. Flow with it. Let it all go. Oh Lord. Think you know what I'm like. But you don't fall. You lose control. Bittersweet melody. When I dance on your fly. Cause I know. Boy, got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy, but you let off the rules, cause there's so much fun. हाँ तो मेरे भाइयों, की हालचाल? आई विश आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों का रैंक तो भी एकदम बढ़िया चल रहा था। तो आज की वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हमारे जोन रोटेशन की, बट उससे पहले गाइस हम थोड़ा सा पेड पुश रैंक पुश के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। लाइक मुझे बहुत सारे बंदों ने इंस्टा पे मैसेज किए थे सीजन के स्टार्ट में, बट तभी मैं हमारे रैंक पुश में बिजी थे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइक थोड़े टाइम बचा है मुझे BGMI के पहले, तो मैं चाहता हूँ कि लाइक थोड़े जो बंदे थे जो मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे रैंक पुश के बारे में, तो आप मुझे पेड पुश के बारे में इंस्टा पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको करवा के दे दूंगा। और ट्राई करना गाइस, जिन बंदों को लाइक कॉन्कर के लिए एक या दो स्टार ही चाहिए वही बंदे कांटेक्ट करें, बिकॉज आप सबको पता है कि लाइक BGMI बहुत जल्दी आने वाला है। तो ब्रॉन्ज से प्लेयर, ब्रॉन्ज से कॉन्करर और फिर प्लेटिनम, यहाँ तक इतना लंबा कॉन्कर गाइस थोड़ा इशू हो जाएगा आपको भी, और इसमें कुछ मेन भी नहीं होगा आपको करके भी। तो जिन बंदों को थोड़ा लाइक दो तीन स्टार की ही जरूरत है कॉन्कर के लिए, तो गाइस प्लीज वही बंदे कॉन्टेक्ट करना। तो चलिए अब बात करते गाइस हम हमारे रोटेशन के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपने जैसे इस वीडियो के स्टार्ट में देखा ही होगा कि लाइक हमें स्कूल से लेकर रोजो के टॉप पे जाना था, लाइक रिदर्ज पे वहाँ पर बंदे थे, और सीन ऐसा था गाइस लाइक हम पे कोई व्हीकल नहीं थी, तो उस टाइम पे गाइस जोन जस्ट बना हुआ था। तो रोटेशन के ऊपर गाइस मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूँ, हमेशा गाइस ट्राई करो आपका जो थर्ड जोन होता है ना, लाइक थर्ड जोन, उसमें फटाक से रोटेट मार के एक अच्छा पोजिशन पकड़ लो। अगर आपको मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँ, मैं हमेशा जैसे ही थर्ड जोन बनने के लिए, लाइक थर्ड जोन का जो जोन है वो बनने के लिए, लाइक जब जोन क्लोजिंग करता है, सेकंड जोन क्लोजिंग करता है, थर्ड जोन बनने वाला होता है, मैं उसके 10 सेकंड पहले जोन के मेड में आ जाता हूँ, अपनी गाड़ी घुमाता हूँ और जैसे ही बनता है वैसे ही जोन का मेड पकड़ लेता हूँ। आप भी ऐसा ट्राई करो, बिकॉज गाइस जोन बनने के बाद अगर आप निकलोगे ना, तब तक कोई ना कोई तो बंदा वहाँ पर आ चुका होता है। और दूसरी बात गाइस, जब भी आप जोन में क्लोजिंग करते हो लाइक ऑन फुट, तो हमेशा ट्राई करो आपकी आजू बाजू से अगर कोई भी गाड़ी जा रही है तो उसे स्प्रे मारो, अगर आपके बाजू से जा रही है तो। अगर आपके दूर से जा रही है तो बिल्कुल स्प्रे मत मारना, बिकॉज अगर बंदा क्लोजिंग से निकलता है अगर आपने उस पर स्प्रे नहीं मारा, तो वो सोचे कि लाइक आप एक बंदे हो, और या फिर वो आपको नूब समझ के आप पे डायरेक्ट पुश करेगा, और वहाँ पर अगर सामने वाले बंदे ने आपको मार दिया तो वहाँ गलत सीन हो जाएगा। तो ट्राई करो गाइस, बंदे को ऐसा दिखाओ कि लाइक आप एकदम पोजिशन में हो और उसे आप मार सकते हो, और पूरा फुल कॉन्फिडेंट में रहा करो गाइस जब भी आप किसी पर स्प्रे लेते हो। अब गाइस हम बात करेंगे थोड़ा सा जोन के अंदर घुसने की। लाइक गाइस मैं रोजोक में जब लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड पे था और मुझे रोड क्रॉस करना था, अब वहाँ पर सीन था गाइस लाइक मैं जोन के थोड़ा सा बाहर था, तो मुझे वहाँ से जोन में आने में अराउंड 50 या 60 मीटर की दूरी थी। अब वहाँ पर गाइस अगर मैं स्मोक करता, लाइक आपको एक और चीज बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द गाइस बंदे गाइस एक गलती करते हैं कि अगर गाइस जोन आपसे 50-100 मीटर के अराउंड दूर है, तो मोस्ट ऑफ द लोग गाइस एक स्मोक का पाथ बनाते हैं और उसके अंदर से एंट्री करते हैं। वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी गाइस मैं बोलूँ तो एक टाइप से, बट वो स्ट्रैटेजी गाइस आजकल बहुत लोगों को मैंने देखा है लाइक वो स्ट्रैटेजी बहुत लोग फेल हो जाते हैं, बिकॉज आजकल के बंदे का गाइस गेम प्ले बहुत इंप्रूव हो चुका है, और वो बंदे गाइस स्मोक के अंदर इतना प्रायः फ्री फायर मारते हैं कि आप इजीली नॉक हो जाओगे। बिकॉज गाइस जब आप स्मोक का पाथ बनाते हो तो आपके क्लोज में या फिर जितने भी बंदे होंगे उनको आपका पोजीशन रिवील हो जाता है, बिकॉज आप उनको आइडिया आ जाता है कि कोई ना कोई तो बंदा यहाँ से रोटेट करने वाला है। तो गाइस आप ट्राई करो, अगर आप पे जोन नहीं है और जोन आपसे सिर्फ 50-100 मीटर दूर है ना, विदाउट स्मोक ट्राई करो, वरना ट्राई करो गाइस जैसे ही स्मोक आप
50 to 100 meter के बीच में दो स्मोक डाल दो। स्मोक डालते ही आप भागना स्टार्ट करो, बिकॉज उस टाइम पे कोई बंदा आपको स्पॉट नहीं करेगा, बिकॉज स्मोक खुलता नहीं है, तो गाइस कोई भी बंदा आपको इजीली स्पॉट नहीं कर पाएगा, और आप छुपके से निकल जाओगे। और जैसे ही गाइस अगर कोई बंदा स्प्रे लेता है तो आपका स्मोक खुल ही जाएगा और आप कवर आपको स्मोक का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बट अगर आप स्टार्टिंग से ही गाइस स्मोक पाथ बनाओगे ना, तो आपको वहां पर थोड़ा सा हार गिरेगा, सब बंदे ऑलरेडी आपको स्पॉट कर लेंगे और वो इजीली प्रीफायर देके नॉक कर देंगे, जैसा आजकल सब बंदे करते हैं। तो ट्राई करो गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा स्ट्रेटजीज वगैरह ट्राई करो पे। और रोटेशन की बात गाइस, बस फिलहाल तो इतना ही बताऊंगा मैं, धीरे धीरे आगे आपको मैं अपनी और रोटेशन के बारे में भी बता दूंगा। तो चलिए थोड़ा सा गेम प्ले की बात करते हैं। अब यहाँ पर गाइस हमारे अच्छे खासे किल भी हो चुके थे, लाइक 4 किल हो चुके थे, और मेरा जो जोन का था ये वाला मैच, लाइक मुझे जोन कभी था ही नहीं हम पे, और क्या उठाऊं, बट एंड में जोन हम पे बन चुका था। तो यहाँ पर हम डबल चोरी में होल्ड करते हैं कि इतने मुझे स्मोक के पास से एक बंदा आते दिखता है, और इस बंदे को गाइस स्मोक में हम प्री फायर मारते हैं। अब स्मोक में प्री फायर गाइस, अब मोस्ट ऑफ द लोग जो ट्राई नहीं करते, लाइक स्मोक खुलते ही बंदे फायर देना स्टॉप कर देते हैं, बंदे वहां पर गलती करते हैं। कभी भी ट्राई करो गाइस, अगर स्मोक खुलता है तो एक प्री फायर मार के देखो, जहां आपकी बुलेट पे बंदे का बॉडी डैमेज हुआ तो आपको पता है, लाइक आपका जो मार्क है वो ब्लिंक करता है, तो वहां पर गाइस स्प्रे कंटिन्यू करो। नहीं हो रहा है मार्क ब्लिंक तो जो स्प्रे उसे चेंज करो, उसका डायरेक्शन चेंज करो। बंदे को गाइस एक दो स्प्रे में आप स्मोक में मारोगे ना, तो बंदे का पोजीशन आपको मिल ही जाएगा, और उस टाइप से गाइस आप बंदे को इजीली मार पाओगे। अब इन दोनों को मारने के गाइस यहाँ पर एक आखिरी बंदा बचा था, तो उसे भी हम गाइस एंड में लाइक हम उसे नहीं मारेंगे, वो जोन से मर जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय। वो जोन में नहीं है, इसीलिए तो वो लेफ्ट आने का कोशिश करेगा। लेफ्ट या राइट? राइट पे इधर एक स्मोक कर दे। मैं भी चल, मैं जा रहा हूँ क्लास भाई।